नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। खरगोन में 4 फरवरी 2024 को हाल ही में देश की वित्त मंत्री के द्वारा मौजूदा सरकार का अंतरिम बजट पेश किया गया है। लोकसभा क्षेत्र के खरगोन बड़वानी सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने इस बजट का स्वागत करते हुए अपने क्षेत्र की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि ये बजट विकास और समृद्धि का बजट है। उन्होंने कहा कि इस बजट में संसदीय क्षेत्र खरगोन बड़वानी की सबसे महत्वपूर्ण मांग रेल लाइन की है, जिसको इस बजट में स्थान मिला है। पत्रकारों से बात करते हुए बड़वानी सांसद गजेंद्र पटेल ने कहा कि ये बजट हमारे और हमारे क्षेत्र के लिए बेहद खास है। इंदौर मनमोहन डेडलाइन के लिए भूमि अधिकृत है। देखिए जगत न्यूज चैनल से रघुनाथ सेन की रिपोर्ट। क्या क्या बड़वानी जिले और खरगोन जिले को क्या मिलेगा? सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि मौजूदा सरकार का यह अंतिम बजट हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है। मैं इसका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। यह बजट कहीं ना कहीं देश हित के लिए है और आने वाले विकसित भारत की संकल्पनाओं के आधार पर 2047 में भारत कैसा होगा उसके अनुरूप बजट है। समाज के हर वर्ग का विकास, जिसमें हमारी महिलाएं हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे युवा साथी हैं, हमारे व्यापारी बंधु हैं, हमारे किसान साथी हैं, ऐसे तमाम प्रकार के विकसित करने की तमाम प्रकार की योजना में बढ़ोतरी हुई है और निश्चित तौर पर यह बजट जनता के हित के लिए है। और इसी बजट में हमारे खरगोन बड़वानी लोकसभा को लेकर जो इंदौर मनमाड़ रेल परियोजना है उसके भूमि अधिग्रहण को लेकर 716 करोड़ रुपए का भी इस बजट में स्वीकृति दी गई है। निश्चित तौर पर मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी का, प्रधानमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। यह परियोजना में इस प्रकार की वित्तीय स्वीकृति के बाद ये परियोजना और विकास की गति में आगे बढ़ेगी और ये वास्तव में बजट आने वाले विकसित भारत के अनुरूप है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।